राम राम सा, आप देख रहे हो वीएमआर भारत टीवी। मैं हूं आपके सगे चंद्रशी राजपूत और आपनो राजस्थान में आप सगला रोज स्वागत है। शुरुआत करा हां मोटी खबरासु। मेरता सिटी नागौर सु खबर है, कुचेरा के निकट होयो भीषण सड़क हादसों, हादसे में दो यात्रियारी होगी मौत। और मनोहरपुर में सड़क सुरक्षा और समृद्धि उत्सव धूमधाम सु मनायो गयो, सड़क हादसे में कमी लाने रे लिए आमजन करियो जागरूक। और मेरता सिटी में डीएमआर लियो मेरता रेलवे स्टेशन रो जायजो, रेल बस रो बंद कर डीएमओ चलाने रो दियो आश्वासन। मेरता सिटी में आज रो दिन ऐतिहासिक रियो, पहली बार जोधपुर डीआरएम आशुतोष पंत आपरे अधीनस्थ अधिकारियों रे सागे मेरता रोड सून रेल बस माए बैठ रहे मेरता सिटी तक रो सफर करियो। डीएमआर रेल बस री आगेरी सीट तक बैठे 15 किलोमीटर रो सफर एक घंटे माए मिनटा में तय कर लियो। इन दौरान डीआरएम पंत ने रेल बस रो संचालन करता फीडबैक लियो गयो और पहली बार भौतिक सत्यापन करियो गयो। बठे डीआरएम रो मेरता पहुंचने पर भव्य स्वागत भी करियो गयो। और शिवगंज रे परिवादी मांगीलाल माली गत 19 जून 2019 ने एफआईआर पुलिस थाना शिवगंज में दर्ज कराई ही, जिरमाए एडवोकेट सिद्धार्थ गहलोत के अनुसार आपसी लेन देन रे मामले में चार पहिया वाहन और बड़ी रकम देने के लिए आरोप लगाया है। उपरोक्त बिंदु द्वारा सारांश इस प्रकार है कि दोनों ही एक जाति और पड़ोसी होने के नाते आपसी लेन देन करता गया है। इन आपसी संबंधा रे दरार आने के कारण कुछ आरोप लगाया गया, बठी पुलिस जांच में सभी आरोपों ने झूठो साबित कर रही है। और एडवोकेट सिद्धार्थ गहलोत बताया कि माने झूठो आरोप लगा मारी प्रतिष्ठा और गरिमा ने ठेस पहुंचाने की कोशिश करी गई है। इस वास्ते में परिवारवादी न्यायालय माए मानहानि रो दावो करूंगा। और जयपुर में आज पीसीसी में जनसुनवाई के दौरान गहलोत सरकार उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा फरियादी बनर पहुंचा। पीसीसी माए आज उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा जनसुनवाई करी। इन दौरान जनसुनवाई माए कई मुद्दा माथे सुनवाई की गई। मीणा मीडिया से बातचीत के दौरान पेंशन नियुक्तियां और इंडस्ट्रीज के बारे में जिका प्रकरण आया है समाधान करो गयो। बेकिया की नई पॉलिसी औद्योगिक नीति जी की आई है जिसमें मुख्यमंत्री लघु योजना भी शामिल है। मीणा किया कि मुख्यमंत्री जी 250 करोड़ रुपया री रोजगार के लिए 5 साल वास्ते रखा है, जिको अब तक रो सबसे बड़ो फैसलो है। जिनमाए कई लोगों ने फायदो हो सी, इस आगे ही प्रसादी लाल मीणा ने रोजगार नए अवसर और पॉलिसी के बारे में बताया। और उसकी पूरी सूची बनाकर उनको लिखित में भेजा जाता है, उसकी पालना रिपोर्ट लगाई जाती है। आज जो भी प्रकरण आए, पेंशन के वस्त्राज कर्मचारियों की नौकरियों के हैं, इंडस्ट्रीज के हैं, सारे प्रकरण जो आए उनका निश्चित रूप से समाधान करेंगे। और जन सुनवाई में इंडस्ट्रीज संबंधी जो मामले हैं उनका हमारी नई पॉलिसी औद्योगिक नीति आई है, टिप्स आई है। और सियाबाड़ी उपखंड सहित कस्बे माए सीए और एनआरसी रे समर्थन माए स्थानीय ग्रामीण भारत माता रे जयकारा लगाता तिरंगा लहराता वया रैली रे रूप माए उपखंड कार्यालय पहुंच कार्यवाहक उपखंड अधिकारी धीरज झांझड़िया ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम कर दियो। रैली माए विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष जगदीश डायमा, मंडल अध्यक्ष मान सिंह परिहार, बजरंग दल सोम प्रकाश चंद, भाजपा जिला महामंत्री सुरेश चंद मेवड़ा और रिया बड़ी और पूर्व मंडल अध्यक्ष राम किशोर, पंचार्य मंडल अध्यक्ष कान सिंह शेखावत आदि मौजूद आ। और मनोहरपुर से अगली खबर है, शाहपुरा कस्बा स्थित नूतन विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुलिस और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 31वें राष्ट्रीय सुरक्षा सड़क सुरक्षा सप्ताह रे अंतर्गत सड़क सुरक्षा समृद्धि उत्सव यातायात प्रभारी जयपुर ग्रामीण पुलिस निरीक्षक महेंद्र सिंह शेखावत, परिवहन निरीक्षक रविदत्त शर्मा, भारतेशु पंचोरी हेमंत सैनी अतिथियों के माना आया गया। और बठी विद्यालय की ओर से पधारिया गया अतिथिया रे मामलो माला पहना रहे वियाण अभिनंदन करियो। परिवहन निरीक्षक भारतेशु पंचोरी यातायात नियम जानकारी देता गया क्या कि सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने रे सागे ही हादसा माए कमी लाने नियमारी पालना और जागरूकता जरूरी है। इरे सागे ही आपने राजस्थान में इतीज खबर आज लिए दियो मने इजाजत और आगे भी खबरें ही चलती रहसी। देखता रहे जो वीएमआर भारत टीवी, जदता है मने दो इजाजत, खमा गणी।